राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर आम इंसान की जरूरत की वो चीज़ महंगी होती जा रही है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में 4 साइकिल भाजपा के मंत्रियों को देने की घोषणा की। ये 4 साइकिल कोरियर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पेट्रोल मंत्री को दी जाएगी और साथ ही कांग्रेस की तरफ से भाजपा को आईना भी दिखाया गया ताकि भाजपा के बड़े नेताओं को शर्म आ सके और जनता के ऊपर जो भार डाला जा रहा है उसे कम करें और जनता को राहत मिल सके कि इस महंगाई में गरीब जनता 2 वक्त की रोटी कैसे खा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या कमी करती है या इसी तरह जनता महंगाई से परेशान होती रहेगी। देखिए, लगातार पिछले 5 माह में 44 बार डीजल और पेट्रोल के दाम इस देश में बढ़े। जब ये विपक्ष में थे तो आए दिन लगातार 10 पैसे भी कांग्रेस की सरकार और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार में बढ़ते थे तो ये सड़कों पर दिखाई देते थे। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक थी। अब लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देश अपने देश की जनता को भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है, सशक्त और मजबूत भारत बनाने की बात करती है, वो अपने मुल्क में एक छोटे देशों से महंगा और 5 महीने में 44 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। आज देश की जनता जो है बसों में परिवहन व्यवस्था महंगी हो गई है, मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। तो आज देश की जनता जब साइकिल पर चल रही है तो मैं समझता हूं कि देश के सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ने उन्हें चुन के यहाँ भेजा है तो उन्हें भी साइकिल पर चलना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं उनको छोड़ के उनको सरकार को यह आईना दिखाने का काम भारतीय युवक कांग्रेस कर रही है कि वो साइकिल पर चलें और इस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है उसको पूरा करें।